देखिए देखिए सुन बच्चों, कक्षा 11 क्लास में देखते हो हम आपको दूसरी भी पढ़ा रहे हैं। पहली यूनिट समाप्त हो गई है, इसमें जो भी समस्या होगी आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरी यूनिट में आपको क्या बताना है, देखिए इसमें लिखा है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। तो इसमें पहले ही दिन आपको बताया है कि मापन की आवश्यकता है, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वभाव चीज है। तो देखिए मापन की आवश्यकता क्या क्यों पड़ी, जब दो वस्तुओं की तुलना करना हो तभी मापन की आवश्यकता पड़ी। जैसे डेस्कर है चार, जैसे बच्चा हुआ तो डेस्कर से चार कितना छोटा है या चार से कितना बड़ा डस्टर है, तो इसकी तुलना हम यह बता सकते नहीं सकते कि यह इतना बड़ा छोटा है। कितना बड़ा छोटा है, जब तक इसको हम माप न लें, जब तक इसके गया को माप न लें, तब तक हम इसे नहीं बता सकते, समझ गए। तो मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी दो भिन्न राशियों या दो असमान या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। अब देखिए मापन के लिए कुछ मानक बनाए गए, कुछ वस्तुओं को मान लिया गया कि इसको ऐसे मानेंगे, क्योंकि देश में बहुत सही माना गया है यदि हम किसी समय यदि क को हम ऐसे बनाए होते, एक को ऐसे बनाए होते, तो आज हम क को ऐसे और एक को ऐसे ही लिखते। तो पहले आप जो माना गया कि क ऐसे बनेगा ये ऐसे बनेगा, तो उससे हम इंटरनेशनल स्तर पर उसको लिखते आ रहे हैं और बुक किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी कुछ मानक है, इंटरनेशनल पर मानी गई है, उसको आपको पढ़ना है। तो देखिए मापन के स्तर समझ गए कि दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ेगी, छोटे वस्तु बड़ी वस्तु तुलना करना, लंबाई तुलना करना, जिस किसी तुलना ही करना, तो वहां पे मापन आवश्यकता पड़ेगी। अब मापन और मात्रक, मापन क्या होता है, मापन के लिए कम से कम दो बातों का होना आवश्यक या दो तथ्यों का होना आवश्यक है। पहला मात्रक होगा, दूसरा आंकिक मान, दूसरा आंकिक मान। जैसे हमने कह दिया कि दो मीटर कपड़ा है, चाहे 2 मीटर, तो 2 जो हो जाएगा यह आंकिक मान हो जाएगा, आंकिक मान। या ये यम जो है लंबाई का मात्रक है, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो इसमें दो बातें याद आती हैं, मापन में या किसी अज्ञात वस्तु की ज्ञात वस्तु से तुलना कर रहे हैं मापन कहलाता है, या किसी वस्तु को या किसी संख्यात्मक मान को, किसी संख्यात्मक मान को मात्रक से तुलना या मात्रक से गुणा कर देने को हम मापन कहते हैं। बस में चाहे ज्ञात राशि को अज्ञात राशि से गुणा कर दिया जाए तो मापन प्राप्त हो जाती है, किताब में है। तो मात्रक मापन होया गया, मापन क्या है, यानी कोई वस्तु लिखा गया तो उसका उसमें संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक भी लिखा है। तो ये हो गया 2 kg लिखा है कि भाई 2 जो है आंकिक मान हो गया और 1 kg क्या हो गया मात्रक है, क्या है मात्रक, द्रव्यमान, यानी ये द्रव्यमान पे मात्रक किलोग्राम, ठीक, समझ गए सब सारी बातें। अब आइए इधर भौतिक राशि क्या होती है, जानेंगे भौतिक राशि क्या होती है, क्योंकि किसी राशि को मापने के लिए हमें मात्रक जरूरत पड़ेगी, तो मात्रक की जरूरत पड़ेगी, तो मात्रक किस राशि का है, राशि जानना पड़ेगा आपको। तो अब परिभाषा में आ गई भौतिक राशि ही क्या होती है, पहले जान लीजिए, है ना। तो भौतिकी के नियमों को सुनिए, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, लंबाई का लंबाई भौतिक राशि है, द्रव्यमान समय का, इनको एक
भौतिक राष्ट्र में जो गणना की कर ली गई तो उन्हें भौतिक राष्ट्र कहते हैं। अब देखिए भौतिक राष्ट्र को मूल राशि में व्यक्त कर दिया गया, व्युत्पन्न राशि में व्यक्त कर दिया, कुछ पूरक राशियां होती हैं। तो मूल राशियां क्या ना? मूल राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की